नमस्कार, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले बनाने की रेसिपी। और ये देखिए, मैंने 1.5 कप छोले ले लिए हैं और ये देखिए मैंने रात भर भिगो के रखे हैं, इनको ओवरनाइट सोक कर लिया है और ये अच्छे से फूल गए हैं। और आइए अब इनको कुकर में डालते हैं। ये देखिए मैंने अब चने छोलों का पानी निकाल लिया है और अब मैं इसको कुकर में डालने वाली हूँ। ये मैंने 1.5 कप चने लिए थे और इसमें मैं 4 से 5 गुना पानी डाल दूंगी। ये मैंने ऑलरेडी मेजरमेंट करके रखा है, ये 5 गुना पानी है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा एकदम नहीं डालना होता है, थोड़ा सा डालना होता है कि अच्छे से उबल जाए। तो मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, 1/2 टीस्पून डाल दिया है मैंने इसमें नमक। और मैं कर दूंगी फ्लेम ऑन। अभी मैं 2 विसल्स हाई फ्लेम पे दे दूंगी ताकि अच्छे से बॉईल आ जाए इसमें, और फिर उसके बाद मैं इसको 30 से 40 मिनट्स के लिए सिम गैस पे छोड़ दूंगी। उससे फिर हमारे चने बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे उबल जाते हैं। और इस कुकर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको पसंद आए तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। ये देखिए 40 मिनट्स हो गए हैं और मैंने इसकी गैस बंद कर दी थी, और आइए अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए छोले एकदम बन के तैयार हैं, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये, और हमारे छोले उबल के बिल्कुल तैयार हैं। और मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ और मैं यहीं पे ही इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। आइए तो अब छोले बनाना शुरू करते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें सरसों का तेल डाल दिए है। तेल में धुआं आने तक हम इसको गरम करेंगे। जब अच्छे से एक बार धुआं आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो अच्छे से उबल चुका है, अब उसमें स्मेल नहीं आएगी। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, या तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सिम पे करके इसमें सामान डाल सकते हैं। मैंने इसको सिम पे कर दिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च। मैंने 2 छोटी हरी मिर्ची ली है, और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप हल्की डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जो कि मैंने अच्छे से उसको ग्रेट कर लिया है। इसको चला लेंगे। और ये हमारा जीरा भी हो गया है। अदरक को हम बहुत ही हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। और हरी मिर्ची भी हमारी हो चुकी ऑलमोस्ट। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चने। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मैं इसमें होममेड मसाला डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मैं इसमें 2 टीस्पून मसाला डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं साइड बाय साइड इसमें चाय पत्ती का पानी उबालने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने 2 टीस्पून चाय पत्ती ले ली है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें एक बॉईल दे दूंगी, जिससे उसमें सारा चाय पत्ती का कलर चला जाएगा। और फिर उसके बाद उसको छान के मैं इस छोले में डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा कलर आता है उसके बाद।
जितने इसमें पानी अभी चाय पत्ती पानी हो रहा है इतने में इसमें हल्का सा सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट मैं ऑलरेडी पहले भी डाल चुकी थी बट अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ अब अमचूर पाउडर, जो कि मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। और ये अमचूर पाउडर इसलिए डाल रहे हैं इसमें क्योंकि हमने इसमें कोई भी टमाटर वगैरह नहीं डाला है, तो हल्का सा एक खटास लाने के लिए हमने इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। ये हाफ टी स्पून से मैंने थोड़ा सा लिया है कम काला नमक। और ये सब नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं कि आप कैसा खाते हैं उसी हिसाब से। और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मेरा चाय पत्ती पानी भी तैयार है, तो मैं उसमें अब मैं छोलों में ये भी डालने वाली हूँ चाय पत्ती का पानी। चाय पत्ती का पानी डाल सकते हैं या फिर आप उबालते टाइम भी इसको डाल सकते हैं, टी बैग्स वगैरह डाल के भी हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है चाय पत्ती का पानी डालने से। छोलों को हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि ये पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और ये पानी और छोले हमारे अलग अलग ना दिखे। ये देखिए अब हमने छोले 10 मिनट के लिए पका लिए थे और अब ये हो चुके हैं। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इनको अभी मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ और ये भी ऐसे ही रहेगा और फिर उसके बाद इसको सर्व कर देंगे। ये देखिए हमारे बिना प्याज टमाटर वाले स्वादिष्ट छोले बनके एकदम तैयार हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। कलर देखिए इनमें बहुत ही अच्छा आया है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आया है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।